नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन क्यों जारी हो जाते हैं, कभी कोर्ट तो कभी ईडी। आइए आज आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो नेशनल हेराल्ड मामला एक इक्विटी लेन देन से संबंधित है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर एसोसिएटेड जर्नल्स की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का कथित रूप से केवल 50 लाख रुपए का भुगतान करके हेराफेरी करने का आरोप है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निचली अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में कुछ कांग्रेस नेता धोखाधड़ी और विश्वासघात में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडियन लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को गलत तरीके से हड़प लिया है। क्या है नेशनल हेराल्ड? नेशनल हेराल्ड 1938 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लिबरल ब्रिगेड की चिंताओं को आवाज देना था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित यह खबर आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन गया। एजीएल ने दो अन्य समाचार पत्र भी प्रकाशित किए, एक हिंदी और एक उर्दू में। 2008 में पेपर 90 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के साथ बंद हो गया। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की शुरुआत थी। 1937 में नेहरू ने अपने शेयरधारकों के रूप में 5000 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस फर्म की शुरुआत की थी। कंपनी विशेष रूप से किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं थी। 2010 में कंपनी के 1057 शेयरधारक थे, इससे घाटा हुआ और 2011 में इसकी होल्डिंग यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई। एजीएल ने 2008 तक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड अखबार, उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन प्रकाशित किया था। 21 जनवरी 2016 को एजीएल ने 3 दैनिक समाचार पत्रों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया। यंग इंडिया लिमिटेड को जाने। यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2010 में हुई थी, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी एक निदेशक के रूप में शामिल थे, जहां राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास कंपनी के केवल 76% शेयर हैं। वहीं 24% कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास हैं। कहा जाता है कि कंपनी का कोई कमर्शियल संचालन नहीं है। आइए बताते हैं एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेयरधारकों के क्या आरोप हैं। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और इलाहाबाद व मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्याधीश मार्कंडेय काटजू सहित कई शेयरधारकों ने आरोप लगाया कि जब YIL और AGL का अधिग्रहण किया गया, तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और उनके पिताओं द्वारा रखे गए शेयरों को 2010 में AGL को स्थानांतरित कर दिया गया, वो भी उनकी सहमति के बिना। आइए बताते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में किस पर आरोप लगाए हैं। स्वामी के नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा के नाम को शामिल किया है। आइए अब ध्यान से समझिए नेशनल हेराल्ड मामला। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि YIL ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीकों से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित किया। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि YIL ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो AGL पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। ये राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी।
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि AGL को दिया गया कर्ज अवैध था क्योंकि ये पार्टी के फंड से लिया गया था। 2014 में प्रवर्तन निदेशालय ने ये देखने के लिए जांच शुरू की कि क्या इस मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 18 सितंबर 2015 को ये बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी जांच एक बार फिर से खोल दी है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि YIL को दान के उद्देश्य से बनाया गया, ना कि किसी लाभ के लिए। इसने ये भी दावा किया है कि लेनदेन में कोई अवैधता नहीं थी क्योंकि ये कंपनी के शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए केवल एक कमर्शियल लेनदेन था। कांग्रेस ने स्वामी द्वारा दायर की गई शिकायत पर भी आपत्ति जाहिर की है। इसे पूरी तरह से पॉलिटिकल मूव बताया गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। 2018 में केंद्र ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने और हेराल्ड हाउस परिसर से AGL को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि AGL कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन गतिविधि नहीं कर रहा था क्योंकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। LNDO चाहता था कि AGL 15 नवंबर 2018 तक कब्जा सौंप दे। बेदखली के आदेश में दावा किया गया था कि इमारत का इस्तेमाल पूरी तरह से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होगा, लेकिन 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत AGL के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक का आदेश दिया था। अभी फिलहाल ED ने राहुल गांधी को समन जारी करते हुए उन्हें अपने पास पूछताछ के लिए बुलाया है और इसी बात को लेकर राजनीतिक माहौल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी आ गई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।